क्या आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हुए हैं और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको साथ ही इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से आप घर बैठे ई श्रम कार्ड खुद से ही बना सकते हैं, या अगर आपको नहीं आता है बनाने के लिए तो मैं इस पे ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो आप देख के बहुत ही इजी तरीके से आप ई श्रम कार्ड के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो अब जो है वार्ड बाय वार्ड जो है ब्लॉक से आदमी जाता है और आपको फ्री में ई श्रम कार्ड बना दिया जाता है। ई श्रम कार्ड से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, जैसे सरकार की तरफ से कोई भी जो है सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है तो अब जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाया करेगा। तो अगर आप जो है ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं तो मैं इस पे पहले वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो देख के आप बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई करना सीख जाएंगे। ये जो है 16 साल से लेकर 59 साल वालों के लिए है, इसके बीच वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, 60 साल या 60 साल से ऊपर वाले जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्पेशली वही बताऊँगा कि अगर आप जो है ऑनलाइन करवा लिए हुए हैं, अगर आपको ब्लॉक में करवाए हुए हैं या आपके वार्ड में करवा लिए हुए हैं और आपको जो है ई श्रम कार्ड जो है डाउनलोड करना नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप बहुत ही ईजी बहुत ही आसानी से आप मोबाइल फ़ोन से ही ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखना होगा कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्टर ऑन ई श्रम, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे न्यू टैब ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से कैप्चा रिफ्रेश करेंगे, दूसरा कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे नो नो वाले पे टिक ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 118 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे केस में यहाँ पे OTP आ चुका है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल में OTP आ जाएगा, तो जो भी OTP आएगा वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, ये टर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर आ चुका है, ये टर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट वाले पे क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि मेरे केस में यहाँ पे जो है प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपके सामने में यहाँ पे डाउनलोड UAN, मतलब आपके सामने में यहाँ पे देखिए कि आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे डाउनलोड UAN कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पे UAN कार्ड जो है डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए ई श्रम कार्ड, तो यहाँ से जो है इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने में ई श्रम कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड UAN कार्ड है, आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे जो है आपके सामने में यहाँ पे डाउनलोड होके ये कार्ड जो है यहाँ पर देखिए आ चुका है। यहाँ देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस है, यहाँ देखिए डाउनलोड हो चुका है। आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा और डबल क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है ई श्रम कार्ड जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। सो गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है ई श्रम कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पे जो है पहले कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ, मैं इसमें ये बताया हूँ कि किस तरीके से जो है आप ई श्रम कार्ड के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो और मैं आपको ये भी बताया हूँ कि किस तरीके से आप जो है ई श्रम कार्ड में कोई भी जो करेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है आप जो है एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, एड्रेस सुधार सकते हैं, एजुकेशन इनकम सर्टिफिकेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका जो है आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप काम क्या करते हैं उसका आप सुधार सकते हैं, बैंक अकाउंट, इसके बाद प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। सुगज, आपने जाना कि किस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से जो आप है घर बैठे
अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं और लैपटॉप से भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। आप जो है ई श्रम कार्ड जो है बहुत ही ईजी तरीक़ा से जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं ई श्रम कार्ड है, आप बहुत ही ईजी तरीक़ा से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिए होंगे किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बिना इधर उधर भाग दौड़ किए बिना किसी को पैसा दिए आप कैसे ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।